वॉट इज एम्बिवलेंस हाइब्रिडिटी थर्ड स्पेस एंड मिमिक्री इन होमी के भाभा देखिए टेक्निकल बहुत बड़ा बड़ा शब्द है लेकिन समझ आइएगा अस्थिर से क्वेश्चन नंबर देना है ओमी के भाभा इज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ आर एज आलोचक हैं ही एस कंट्रीब्यूटेड टू पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज अब देखिए पोस्ट कलोनियल क्या होता है पोस्ट कलोनीयल मीन्स कंडीशन दैट एग्जिस्ट आफ्टर अ कंट्री गेंस फ्रीडम फ्रॉम फॉरन रूल एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ पोस्ट कलोनील इंडिया इज इन अ पोस्ट कलोनियल स्टेज बिकॉज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैजेंडेड रिसेंटली ब्रिटिश का शासन यहाँ हाल ही में खत्म हुआ है इसलिए इंडिया क्या है पोस्ट कलोनियल स्टेज में है पोस्ट कलोनियल रूल अभी रूल है पलटू पूछा थैंक यू वेरी मच अब हम लोग आए गए पेज टू में अब देखिए कोटेशन दीजिए कोटेशन दीजिए ओमी के भाबा से एम्बीवलेंस इज क्रिएटेड एट द साइट ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन जहाँ पर प्रदेशों का शासन हुआ है वहां पर एम्बीवलेंस हो जाता है एम्बीवलेंस क्या है देखिए क्या होता है दिस मीन्स दैट देर इज अ देर इज गुड एंड बैड फीलिंग इन प्लेसेज वेर देर इज फॉरन रूल जब फॉरन रूल होता है कुछ लोग उसको देखिए उसको उसको सपोर्ट करते हैं कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते हैं सपोर्ट ही के बल में ना फॉरन रूल आता है सपोर्ट फॉरन रूल ठीक है इन In इंडिया राजा महाराजा एंड जमींदार्स वेयर हैप्पी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल तो राजा सब थे महाराजा ये सब खूब खुश थे ब्रिटिश रूल उन लोगों को बहुत ही पैसा को देता था ब्रिटिश रूल मास सफरिंग लेकिन जनता कष्ट में थी दॉरेन रूलर्स फॉलो दर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल दोनों में डिवाइड करके वो शासन करते थे होमी के भाबा हैज कॉइंड पंटू बेटा कॉइन क्या क्या है सम न्यू टर्म्स लाइक होमी के भाबा का हाइब्रिडिटी थर्ड स्पेस मिमिक्री एम्बिवलेंस आइडेंटिटी एसेट्रा ये सब नया टर्म है भाभा का क्रिएट किया हुआ तो हम लोग उसको एक एक करके लेटेस्ट एक्सप्लेन द टर्म्स वन बाय वन एक एक करके समझिए देखिए हाइब्रिडिटी मीन्स

िटी होता है कुछ लोग फुल पैंट पहनते हैं कुछ ट्राउजर धोती कुछ पहनते हैं तो मिक्सचर होने लगता है दोनों का ठीक है पेज फोर में हम आ रहे हैं थैंक यू विकास अब देखिए थर्ड स्पेस नयाटल में पैरा बदल के नया नाम समझाते हैं थर्ड स्पेस आर प्लेसेज वेयर पीपल स्पेंड देयर टाइम बिटवीन होम होम हो गया फर्स्ट प्लेस एंड वर्क सेकेंड प्लेस हो गया तो यू थर्ड प्लेस स्पेस आज प्लेसिज वेर वी कैन एक्सचेंज आइडियाज है गुड टाइम एंड बिल्ड रिलेशनशिप तो थर्ड फॉर एग्जाम्पल एक थर्ड प्लेस का एग्जाम्पल दीजिए थर्ड फॉर एग्जाम्पल मेन्शन टेम्पल्स मंदिर मॉस्क मस्जिद चर्चेज क्लब्स लाइब्रेरीज पार्क एक्सेट्रा ये सब क्या थर्ड स्पेस है एट समीज प्लेस कल्चर्स क्लैश दो तरह का कल्चर का टकराव होता है अकॉर्डिंग टू होमी के भावा वेन कल्चर्स क्लैश समथिंग न्यू हैपन्स ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मी बिक्री देखिए मी बिक्री मीन्स कॉपिंग नकल करना आफ्टर द रूल ऑफ अ फॉरिन कंट्री द स्लेव कंट्री मैंने हो गया कोलोनाइज बताया कॉलोनाइज कंट्री में क्या होता है कॉलोनाइज कॉपी द लैंग्वेज ड्रेस एंड स्टाइल ऑफ लिविंग ऑफ द एक्स रूलर्स कॉलोनाइज फॉर एग्जाम्पल इन हॉट कंट्री लाइक इंडिया नेक टाई इज इम्पोज ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन इवन इन द समर सीजन तो ये हम लोग क्या मिमिक्री क्या नकल करते हैं गर्मी के मौसम में भी बच्चों को टाई पहनाते हैं तो टाई तो ठंडे देश का यही होगा नकल ठीक है सम इंडियंस वॉन्ट टू बी कॉल साहेब देखिए मेम साहेब ये सब क्या है मिमिक्री है बंदर जैसा नकल इंग्लिश हैज़ बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज आप देखिए भाषा पर हम लोग कर रहे हैं हम इंग्लिश है वो हिंदी है नहीं लेकिन अंग्रेजी बोल रहे हैं इंग्लिश हैज़ बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर प्रैक्टिकल पर्पज फॉर प्रैक्टिकल यूज शुड नॉट बी कॉल्ड मिमिक्री कहते जब प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है इंग्लिश का जो हम लोग कुछ काम करें तो उसको नकल हम लोग नहीं कहेंगे प्रैक्टिकल यूज़ मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन उस समय तो अंग्रेजी यूज़ करना पड़ेगा वो नकल नहीं हुआ वो तो काम कर रहे हैं हम लोग एक्सेट्रा इन साइंस एंड रिसर्च इंग्लिश हैज़ टू भी यूज अंग्रेज को यूज़ करना पड़ता है इसमें ये मीमिक्री ये माने हम उसको नहीं मानते मीमिक्री कमलादा देखिए ग्रेट पोइट्रिक्स कमला दास क्या कहती है कमला दास वाई नॉट लेट मी स्पीक एनी लैंग्वेज आई लाइक like? हमको बोलने दो जिस भाषा हमको मन करता है इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज टू क्रोज और रोरिंग इज टू लाइन्स जिस तरह कौवा के लिए काउं कॉँव ज़रूरी है उसी तरह मेरे लिए भी ये इंग्लिश में बोलना कभी कभी जरूरी हो जाता है दिस इज़ नॉट मिमिक्री तो हम लोग इसको अंग्रेजी जो कमला दास बोलती है तो मिमिक्री नहीं हो यूजिंग सम एब्यूजिव बट 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 ंग समब्यूसिव इंग्लिश वर्ड लाइक शिट फक कैन बी कॉल यह सब न हो सकता है न कलची हो रहा है अब देखिए एम्बी बिलियस वी हैव डिस्कस दिस इन पैराग्राफ थ्री ऑफ दिस आंसर पैरा थ्री में यह आंसर डिस्कस करें दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अब देखिए आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है द अफ्रीकन्स हैेस द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी एक्यूटली बहुत ज़्यादा वो लोग महसूस किए अफ्रीकन से डूरिंग द डेज ऑफ स्लेव ट्रेड इन द सेवनटीन एंड सेवेंटींथ एंड एटीन सेंचुरीज दफ्रीकन्स वे कॉट लाइक एनिमल्स अफ्रीकन्स को जानवर की तरफ पकड़ा गया था एंड सोल्ड इन द मार्केट्स ऑफ यू एस एंड अदर कंट्रीज तो उन लोग को जानवरों की तरफ बेचा गया द स्लेवस आ फ्री नाव अब ये लोग है स्लेवस मुक्त हो गए बट द फेस द आइडेंटिटी प्रॉब्लम अ करेबियन पोइट बार्थ वाइट बार्थवेट एक्सप्रेसिस द पेन ऑफ आइडेंटिटी देखिए क्या कष्ट है आइडेंटिटी का आई ट्रैवल टू अ डिस्टेंट टाउन बहुत दूर शहर गए आई कुड नॉट फाइंड माई मदर मेरी माँ कहाँ आती पता नहीं चला हमको आई कुड नॉट फाइंड माई फादर मेरे पप्पा भी हमको नहीं मिले आई कुड नॉट हेयर द ड्रम हुस्टर एम आई और ढोल जो अफ्रीका का बरसात वो भी ड्रम हमको नहीं मिला हम कहते मेरे पूर्वज कौन है मेरे माता पिता कौन है तो ये हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस तो कॉलोनियल लूज में विदेशियों का शासन में यह सब प्रॉब्लम होता है हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं टू कंक्लूड भूमि के भावा गिव अ पिक्चर ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी ही थिंक्स दैट दिस सोसाइटी कैन लिव इन पीस एंड हैप्पीनेस थ्रू कोऑपरेशन एंड को समझिए इसको क्या समझिए क्या कहते हैं ये समाज भारत में कभी हम लोग पोस्ट कॉलोनिय सोसाइटी में तो उसमें भी हम लोग आनंद से रह सकते हैं कैसे लिव थ्रू थ्रू कैसे कोऑपरेशन मिलजुल के रहिए को एग्जिस्टेंस एक दूसरे का नुकसान मत कीजिए शांति से रहिए दैट्स ऑल थैंक यू और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सएप नंबर एट टू वन ज़ीरो टू नाइन सेवन थ्री टू टू रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा और ये है एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर विकास का है तो हम लोग जो मैसेज देते हैं ना उसमें क्या कहते हैं यूट्यूब में वो हम लोग नहीं देखते ध्यान उतना नहीं देते हैं उसमें बहुत तो हमको टाइम हमको परेशानी होती है इसीलिए इस पर जो प्रॉब्लम होगा इस पर हम को दीजिए व्हाट्सएप पर टी वी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं आर्थिक मदद करें फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर We give priority to those students who help RTP patient on the number given above. That's all. Thank you.